Hey guys, Exposed News के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत वेलकम है एंड बहुत सारे अपडेट्स हमारे सामने आए निकल के आए हैं क्योंकि एक्चुअली बहुत दिनों से हमने जो एक्सपोज न्यूज के बारे में बात नहीं की है। सबसे पहले अपडेट निकल के आ रहा है वेयरवुल्फ एट नाइट की जो मूवी आई है 53 मिनट की, उससे तो मैंने उसका रिव्यू दिया है, आपने चेक नहीं किया जाके उसका रिव्यू देख लो, बहुत अच्छी मूवी है और उसको जो है बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, पेड हो चाहे अनपेड हो 90% लोगों ने जो है वो पॉजिटिविटी दिखाई है और बहुत अच्छा बोला है इसको। और इसके अलावा बहुत सारी बातें भी चल रही है इसके बारे में किस तरह से एमसीयू को इस चीज को और ट्राई करना चाहिए एंड जो इस चीज को जिन्होंने इस चीज को नहीं देखा है अभी तक वो जाके देख लो यार, तुम इंतजार क्यों कर रहे हो, आराम से जाके देखो, मजा आएगा। और इसके अलावा हेनरी कैविल से रिलेटेड यानी डीसी की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने ये निकल के आ रही है कि हेनरी कैविल रिटर्न आने वाले हैं, यानी कि हेनरी कैविल जो है वो हमें आने वाली ब्लैक एडम मूवी के अंदर में देखने को मिलेंगे जो कि इसी महीने आने वाली है। और इसके अलावा 20 तारीख को ये मूवी रिलीज हो रही है और हेनरी कैविल और भी सीरीज में जैसे कि सुपर गर्ल की सीरीज में हो सकता है देखने को मिल जाए और फ्यूचर में दी फ्लैश मूवी जो आ रही है उसमें हमें हेनरी कैविल की सुपरमैन और सासा कालेज की सुपर गर्ल देखने को मिलने वाली है। तो हमारा शुरू से यार ये सपना है, सपना क्या है, शुरू से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमें हेनरी कैविल दोबारा से डीसी में देखने को मिले क्योंकि हेनरी कैविल यार एकदम मस्त बंदा है। अभी कुछ समय पहले बैटमैन से रिलेटेड न्यूज आई थी कि बेन एफ्लेक वापस आ चुके हैं, अब ये सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है और रॉक भैया का थैंक यू बोलना चाहिए अगर ये हो रहा है तो रॉक भैया ने ही जो है सुपरमैन को वापस लाया है। इसके अलावा कुछ सेट इमेजेस हमारे सामने निकल के आई है मैडम वेब की से जो कि अगले साल आने वाली है एंड मैडम वेब के अंदर में हो सकता है कि शायद एक नया स्पाइडरमैन हमें देखने को मिले। अब इस बंदे को देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये स्पाइडरमैन 2099 है, खैर ये इमेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पे यार ना मैं अपलोड करके गलती कर रहा हूं यार, डिज्नी वालों ने ना वो लोकी वाला वीडियो जो है ब्लॉक कर दिया इसलिए मैं नहीं अपलोड करना चाहता हूं ये सारी चीजें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैडम वेब की जो है सेट इमेजेस मैंने अपलोड कर दी है वहां पे और मुझे लग रहा है उसको देख के कि शायद से जो है एक नया स्पाइडरमैन हो सकता है कि ये स्पाइडरमैन 2099 हो, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है। खैर VFX वर्क करना बाकी है क्योंकि ज्यादातर जो है ये सीरीज और मूवीज जो मार्वल और इनकी आती है सोनी की उनमें ज्यादातर सूट तक में इवन मास्क तक में जो है वो CGI किया जाता है तो आई थिंक CGI या VFX ही उस चीज को फिक्स कर दिया जाएगा। इसके अलावा Daredevil Born Again सीरीज जो है वो एक्चुअल में न्यूयॉर्क सिटी में 2023 फरवरी में स्टार्ट होने वाली है उसकी शूटिंग एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सीरीज आर रेटेड होगी क्योंकि ए रेटेड थी अगर Werewolf by Night तो मोस्ट प्रोबेबली R-rated हो सकती है। इसके अलावा अपना नया कैप्टन अमेरिका और बाकी जो है वो दोबारा से MCU में मिलने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन अमेरिका 4 मूवी के अंदर में हमें ये लोग देखने को मिलेंगे और कैप्टन अमेरिका 4 मूवी मेरे हिसाब से थंडरबोल्ट्स की टीम को सेटअप कर सकती है MCU के अंदर में। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का रेड कार्पेट प्रीमियर होने वाला है जो होने वाला है अक्टूबर 25 को जो कि एक्चुअल में पहले नवंबर 1 को होने वाला था, अब अक्टूबर 25 को होने वाला है। तो इस प्रीमियर के बाद हमारे सामने बहुत सारी नई चीज जो है वो निकल के आने वाली है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से, बहुत से लीक्स आ सकते हैं एंड बहुत से रिव्यूज आ सकते हैं, लोग बताएंगे कि एक्चुअल में ये मूवी थी कैसी। इसके बाद मैडम वेब से निकल के एक और खबर हमारे सामने आ रही है कि मैडम वेब का लोगो रिवील हो गया था एक्चुअल में इंस्टाग्राम पे और लोग बोल रहे थे कि रिवील हो गया, ये हो गया है, लेकिन फिर खुद से जो है वो उसके एक ऑफिशियल बंदे ने जो आके बोला कि एक्चुअल में लोगो कंफर्म थोड़ी हुआ है, इंटरनेट में खुद कुछ भी होता रहता है यार, एंड मैं क्यों कंफर्म करेगी, कंफर्म करना होगा तो वो स्टूडियो खुद ही कर देगा ना। इसके अलावा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में एक से ज्यादा ब्लैक पैंथर होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को स्पॉट भी किया था, तो हमें एक से ज्यादा ब्लैक पैंथर देखने को मिल सकते हैं सिवाय शूरी के, शूरी के अलावा एक और कोई बंदा हमें देखने को मिलने वाला है, मुझे जहां तक लगता है कि वो किल मॉन्गर हो, प्लीज यार किल मॉन्गर को वापस लाओ, मैं किल मॉन्गर को वापस देखना चाहता हूं। खैर कुछ लोग बोल रहे हैं कि किल मॉन्गर को वापस ला देते हैं ये लोग तो अच्छी बात ही है, लेकिन एक चीज आपने नहीं देखी है, व्हाट इफ की सीरीज में किल मॉन्गर को एक मौका दिया गया था अच्छा बनने का, लेकिन किल मॉन्गर अच्छा नहीं बना, किल मॉन्गर को सिर्फ वकांडा नहीं चाहिए था बल्कि किल मॉन्गर को बहुत सारी चीजें चाहिए थी जो कि उसको नहीं मिली थी पहले। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर में हमें Daredevil का जो रेड वाला सूट है वो तो देखने को मिलेगा ही दोबारा, इसके अलावा गोल्डन वाला भी देखने को मिलेगा, इसके अलावा और भी सूट देखने को मिलने वाले हैं जो कि Daredevil ने ऑलरेडी बना रखे हैं क्योंकि कपल ऑफ सूट की यहां पे बात की गई थी। इसके अलावा कियानो रीव्स जो है वो बोल रहे थे कि उनका सपना है कि वो एक्चुअल में घोस्ट राइडर बने MCU के अंदर में, और मुझे जहां तक लगता है कियानो रीव्स 100% बढ़िया बंदे हैं घोस्ट राइडर बनने के लिए क्योंकि वो बंदा बड़ा बैडेस है पहली बात तो, और बड़े बड़े बाल हैं दूसरी बात, और बहुत खतरनाक लगे वो बंदा बाइक चलाता हुआ, तो अगर वो घोस्ट राइडर बनता है MCU के अंदर में तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। प्लीज एजेंट्स ऑफ शील्ड वाले घोस्ट राइडर को मत लाना, वो अच्छा बंदा है अच्छा एक्टर है, लेकिन मेरे हिसाब से कियानो रीव्स ज्यादा बेटर रहेंगे। अब MCU क्या करता है ये तो MCU के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके अलावा चलो आओ बात करते हैं कुछ रूमर्स की, अभी तक कंफर्मेशंस की बात हो रही थी, अब रूमर्स की बात करते हैं। तो हो सकता है कि हमें जो है एक
नोवा का प्रोजेक्ट देखने को मिल जाए सीक्रेट वॉर्स के पहले, यानी कि हो सकता है दी मार्वल्स मूवी जो आ रही है उसमें हमें नोवा दिखाया जाए, उसके बाद नोवा की कोई सीरीज या कोई मूवी कंफर्म कर दी जाए, मोस्ट प्रोबेबली एक सीरीज जो है हो सकती है, और हो सकता है कि नोवा हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में भी देखने को मिले। इसके अलावा जीमो जो है वो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर में हो सकता है, एंड या फिर अगर वो नहीं होगा तो दूसरी बात है, अगर होगा तो वो डॉक्टर डूम के बारे में बात करेगा और डॉक्टर डूम से या फिर बात कर रहा होगा या फिर शायद पोस्ट क्रेडिट सीन में वो डॉक्टर डूम से ही मिल रहा होगा, कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा ये र्यूमर नहीं है, ये आया है रीरी विलियम्स के कैरेक्टर से वकांडा फॉरएवर जो हमें शूरी के साथ देखने को मिलने वाली है। एक्चुअली उसकी स्टोरी इस तरह से दिखाई जाएगी कि वो MIT एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट होगी, इंजीनियरिंग का पैशन होगा उसके अंदर, लेकिन वहां पर रीरी विलियम्स के सामने जो है कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आ जाएगा, मतलब वो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर रही होगी, उस प्रोजेक्ट के चलते जो है वो वकांडंस और कुछ खतरनाक लोग उसके पास आ जाएंगे। तो ये बड़ी भयंकर चीज है कि किस तरह से एकदम कॉमिक वाली स्टोरी को यहाँ पे दिखा रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से, क्योंकि यहाँ पे रीरी विलियम पहला अपना सूट जो है वो बनाएगी अपने MIT के अंदर ही, लेकिन अपना बाकी के सूट जो है वो वकांडा की टेक्नोलॉजी से मिला के बनाएगी, जो चीज थोड़ी सी जो चीज है आयरन मैन से इस चीज को अलग करती है। तो आई थिंक इस मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक ले सी या बाय बाय। आपका नाम क्या है? खुशबू अग्रवाल। खुशबू जी, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई करती हूँ कॉलेज में, स्टूडेंट हूँ, अध्यापक हूँ। अच्छा अध्यापक हैं या स्टूडेंट हूँ? स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। हाँ। अध्यापक क्या होता है? अध्यापक इज टीचर एंड स्टूडेंट इज विद्यार्थी। शाबाश बेटा, बहुत। ओल्ड, वेट अ मिनट। आप IAS की तैयारी कर रही हैं पक्का, है ना जी? हाँ, तभी इनको पता है ये। अच्छा, भारत के गृह मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह।